नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रेलवे ग्रुप डी आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन के सेकेंड डीवी के बारे में। दोस्तों हम बात करेंगे कि सेकेंड डीवी कब तक आ सकता है, कितना कट ऑफ घट सकता है, सारा कुछ दोस्तों हम बात करेंगे। थर्ड डीवी के बारे में भी बात करेंगे, कितने समय में बाकी बचे हुए बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, किनके किनको कितना किसका चांसेस, सारे कुछ के बारे में हम दोस्तों हम बात करेंगे। कैटेगरी वाइज दोस्तों हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक एक्सेल में डेटा तैयार किया है, एकदम ऑफिशियल डेटा है। जो भी डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ऑफिशियल, मैंने ऑफिशियल डेटा से ही कलेक्शन यहाँ किया है डेटा का, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ पीडीएफ तैयार किया है, पीडीएफ रखा हुआ है, जो पिछले साल जो ट्रेंड रहा था कट ऑफ घटने का, इसको भी हम एनालाइज करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि इस वर्ष कट ऑफ और कितना घट सकता है, और कितने पे आपका मतलब आपको डीवी के लिए कॉल आ सकता है, सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, कौन से डीवी में आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। और ये वैकेंसी टेबल है दोस्तों कैटेगरी वाइज। अब यहाँ पे आप दोस्तों देखेंगे, सबसे पहले इस एक्सेल टेबल को समझते हैं। तो ये मैंने कैटेगरी रखा है, जिसमें सारे कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे। ये पीटी बच्चे, क्वालिफाइड वाले बच्चे हैं जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, ये डीवी में जाने वाले बच्चे हैं। ये सीट से मैंने बताया कि कितने सीट कौन से कैटेगरी को दिया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है। तो ये 9300 था कुछ वैकेंसी, बट ये 7300 मतलब 7342 बच्चों को ही डीबी में बुलाया गया, ये आप लोगों को पता होगा। रिमेनिंग कितने बच्चे बच गए उसके बारे में बात करेंगे, और ये कटअप इस बार जो गया उसके बारे में भी हम देखेंगे कि अब कितना घटेगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे यूआर कैटेगरी में क्या हुआ है। यूआर कैटेगरी में सबसे पहले आप देखेंगे तो 731 बच्चे ही केवल पीटी के लिए बुलाए गए थे, मतलब क्वालिफाई किए, ठीक है। 731 बच्चे ही पीटी में क्वालिफाई किए, जिसमें से 382 बच्चों को ही केवल बुलाया गया, ठीक है। बट सीट कितना था, 3000, मतलब 10% बच्चों को ही यूआर से कॉल किया जो गया, जो प्रॉपर यूआर थे। बाकी जो सीट है दोस्तों यहाँ पे देखिए भरा गया, यहाँ पे भरा गया बाकी सीटें, कैसे कैसे भरा हुआ है। तो यहाँ पे पहले सभी कैटेगरी को समझिए, फिर मैं बताऊंगा कि यूआर की सीट को कैसे भरा हुआ है। ओबीसी का देखिएगा, ओबीसी में 2331 बच्चे थे, जिनमें से 1162 बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया, और 2200 सीट था। तो ऐसा क्यों हुआ सब कुछ मैं बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस में देखिएगा, ईडब्ल्यूएस में 1986 पीटी में पास किए, और 1133 बच्चों को जॉब दिया गया, ठीक है। 1133 बच्चों को डीबी के लिए बुलाया गया, अभी जॉब नहीं दिया गया है। एससी कैटेगरी में देखिएगा, 1168 बच्चे पीटी पास करते हैं, और केवल 727 बच्चे को डीबी के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए। और एसटी कैटेगरी में 8438 बच्चे पास करते हैं, और 3938 बच्चों को ही केवल बुलाया जाता है। मतलब क्या होता है कि यूआर कैटेगरी में सभी फाइट कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी मतलब कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, वहां कोई भी कैटेगरी वाला जा सकता है। यहां तक है इन चारों कैटेगरी के अलावा, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के भी अलावा, एक्स सर्विस मैन वाले भी यूआर में जा सकते हैं, ठीक है। और जो सीसीए वाले कैंडिडेट होते हैं वो भी यूआर में जा सकते हैं। तो यूआर का सीट क्या है कि यूआर का सीट में वही यूआर के बच्चे फाइट करेंगे जो टॉपर्स है, टॉपर्स ही आगे जा पाते हैं, उसके बाद जो बाकी बच्चे बच जाते हैं वो उनका नहीं, उनको नहीं बुलाया जाता है डीबी में। तो यहाँ टॉपर्स कितने मिले, 382। उसके बाद जो 198 आप टॉपर्स देख रहे हैं, ये कहाँ से मिल गए, 198 टॉपर ईडब्ल्यूएस से मिले हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे, यहाँ पे 3179 टॉपर्स मिल गए। ओबीसी से भी कुछ टॉपर्स मिले होंगे यहाँ पे, मैं नहीं बोलता हूँ कि ओबीसी से नहीं मिले होंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टॉपर्स मिले यूआर में वो एसटी कैटेगरी से मिले। कितने टॉपर्स मिल गए, 3179 टॉपर्स मिल गए एससी कैटेगरी से। तो एसटी कैटेगरी में जो कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ है, सबसे ज्यादा जो कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ है, कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं मतलब सबसे ज्यादा यूआर में जो जाने वाले बच्चे हैं एसटी कैटेगरी वाले, मतलब ये डबल बेनिफिट लेंगे, ये एसटी से भी पास हो गए, यूआर से भी पास हो गए डीबी के लिए, ठीक है। तो इनको सीट किससे मिल जाएगा, यूआर से मिल जाएगा इन सभी को। तो यूआर में कितने बच्चे हो गए, 3759 बच्चे जो है वो जॉब लेते हैं यूआर से। अब ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा देखिए कि सीसीए वाला भी सीट था, सारा सीट था, तो वो सभी सीट को यहाँ ऐड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, ओबीसी में क्यों घटाया गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि ओबीसी का जितना सीट है, ओबीसी का तो 2200 सीट होना चाहिए था 20% घटा के भी, बट लिया कितना गया, 1162 को लिया गया, मतलब 50% बच्चों को नहीं लिया गया। तो यहाँ जो बच्चे मिल गए होंगे अच्छे अच्छे, वो एक्स सर्विस मैन और सीसीए वाले बच्चे मिल गए होंगे, एक्स सर्विस मैन और सीसीए वाले बच्चे मिल गए होंगे, इसलिए यहाँ पे ये हालत आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी जो बच्चे हैं वो शिफ्ट कर गए, दिए गए यूआर में, और बाकी सीट दे दिया गया, क्योंकि 935 वैकेंसी है ईडब्ल्यूएस के पास भी। एससी वाले जो बच्चे हैं,
एससी में 727 ही बच्चे मिले, तो हो सकता है कि 727 से पीटी में तो इतने बच्चे क्वालिफाई किए, हो सकता है कुछ बच्चे जो गए वो यूआर में चले गए, ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे मतलब यहाँ से भी निकाल दिए गए होंगे कुछ बच्चे यूआर के लिए, ठीक है, तभी यहाँ पे यूआर का भी सीट है, मतलब हो सकता है कि डीबी के जो मिनिमम कट ऑफ होगा वो क्लियर नहीं किए होंगे, तो 727 बच्चे, सेम सिचुएशन ओबीसी वाला भी यहाँ पे अप्लाई किया गया होगा कि जो सीट है वो सीसीए वाला सीट है, ज़्यादा से ज़्यादा सीट यहाँ से मिल गया होगा। अब सीसीए में सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, अगर मान लीजिए सीसीए के आप बच्चे हैं तो यूआर के बच्चे हैं केवल यूआर से सीट ले सकते हैं, ओबीसी के जो बच्चे हैं ओबीसी से सीट ले सकते हैं, वहाँ भी कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, पीडब्ल्यूडी जो होते हैं वे दिव्यांग कैंडिडेट है वो भी क्या होते हैं इन्हीं सब वैकेंसी में से लेते हैं, 9,300 जो वैकेंसी है उन्हीं में से लेते हैं जॉब, तो इसलिए क्या होता है कि आपका जो एक्चुअल सीट होता है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, तब आपको इस तरह का कुछ सिचुएशन देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या हो गया कि जो सीसी वाले ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो किस किस कैटेगरी के मिल गए, उनको ई ओबीसी के मिल गए, और किस कैटेगरी के मिल गए दूसरे नंबर पे, एससी कैटेगरी के भी सीसी वाले ज़्यादा बच्चे मिल गए, इसलिए यहाँ क्या हो गया सीट यहाँ पे कम बच्चों को लिया उस कैटेगरी से, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे कहाँ से मिल गए, सीसी वाले बच्चे मिल गए जो अपने कैटेगरी से सीट ले गए, ठीक है ना। तो रेलवे ने जो नियम है उसके अनुसार आपको रिजर्वेशन दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे कि टोटल पीईटी क्वालिफाई किए 14,654, जिसमें से डीबी के लिए बुलाए जाते हैं 7,342 को, तो अभी भी कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा क्योंकि हो सकता है कि वैकेंसी शॉर्टफॉल हो या कुछ हो, और यहाँ पे 2,000 जो वैकेंसी सीसीए है पीडब्ल्यूडी है उनको शामिल नहीं किया गया, ये नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए निकला है। जब पैनल आएगा तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है मुंबई में, क्योंकि अभी भी अगर हम देखेंगे सेंट्रल मुंबई से तो 349 बच्चे ऐसे यूआर में जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला हुआ है पीटी क्वालिफाई होने के बाद वेटिंग में है। उसके बाद ओबीसी में देखेंगे तो 1,169 बच्चे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 853 बच्चे हैं, एससी में देखेंगे तो 441 बच्चे हैं, और एसटी में देखेंगे तो 4,500 बच्चे हैं। सबसे ज़्यादा किस में अभी है, एसटी में, इसका मतलब जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे कट ऑफ क्या होगा, कम डिक्रीज होगा, कम घटेगा, जहाँ पे कम बच्चे हैं वहाँ पे कट ऑफ क्या होगा, ज़्यादा डिक्रीज होगा। मतलब अगर यूआर के सारे बच्चों को जॉब चाहिए तो केवल, देखिए एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या है कि रेंज अगर देखें यूआर और ओबीसी के बीच में रेंज देखें तो कितना रेंज है, कट ऑफ कितना गया 70.6, और ओबीसी का कट ऑफ कितना है 67.26, मतलब इसके बीच में वही बच्चे होंगे जो ओबीसी कैटेगरी वाले होंगे, बट इससे ऊपर वो बच्चे होंगे जो केवल टॉपर्स होंगे, मतलब यूआर होंगे या टॉपर्स होंगे, ठीक है, यूआर होंगे या टॉपर्स होंगे, वो 70.6 से ऊपर होंगे जिन्होंने लगभग 3,500-3,600 सीट लिया। बट इस बीच में क्या है, इस बीच में जो गैप है 3.34, ये किसका गैप है, केवल ओबीसी और प्लस में यूआर, ओबीसी प्लस में यूआर, तो ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उन्होंने तो ले लिया अपना जॉब है, तो ओबीसी वाले कितने बच्चे मिल गए 1,162, ठीक है, ओबीसी में कितने बच्चे मिल गए 1,162 है। और अब क्या होगा, अब यहाँ पे देखा जाएगा कि 1,162 बच्चे ओबीसी में मिल गए, तो ओबीसी का जब कट ऑफ घटेगा, जो मिनिमम है जो बच्चे जॉब लिए होंगे ओबीसी कैटेगरी से 67.26, इससे जो ऊपर वाले बच्चे होंगे वो यूआर के पास जा रहे हैं, तो यूआर प्लस में ओबीसी वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो ये मैं सबसे लास्ट है। और जो भी बच्चों को जॉब मिला है ध्यान से सुनिएगा, 1,162 बच्चे ऐसे हैं जो कि 67.26 नंबर के से ऊपर है या 70.6 नंबर से नीचे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा कि इसके बीच वाले बच्चे 3.34 रेंज है इनके बीच में, ठीक है, जिनमें से यूआर, सारे यूआर को जॉब मिल गया है, सीसीए वाले को भी जॉब दे दिया गया है, ठीक है, तो ओबीसी का कैटेगरी का सीटें फिल कर दिया गया। अब जो बच गए बच्चे किसके बच गए, यूआर के बच्चे बच गए, यूआर के जो बच्चे होंगे अब केवल यूआर के सीटें अगर खाली होगा तो यूआर का जो यूआर के बच्चों को जॉब मिल जाएगा, मतलब अब जो होगा कैटेगरी वाइज सीट खाली होगा तो उस पर असर करेगा, मतलब यूआर के बच्चे यूआर से सीट ले सकते हैं, ओबीसी के बच्चे ओबीसी से सीट ले सकते हैं, एससी के बच्चे एससी से, एसटी के बच्चे एससी से, और ईडब्ल्यूएस के बच्चे ईडब्ल्यूएस से, जहां सीट खाली होगा वही क्या होगा, वही के बच्चे वही से जॉब ले सकते हैं, ठीक है। अब यूआर का कट ऑफ क्यों घटता है, क्योंकि यूआर में नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या हो गए, बहुत कम बच गए, ठीक है, तो यूआर में जॉब लेने के लिए कितने बच्चे चाहिए, लगभग 349-350 बच्चे, मान लीजिए कि यूआर में अगर आपको जॉब चाहिए तो टॉप के 350 बच्चे चाहिए इनको, ठीक है, और जो जॉब छोड़ेंगे कौन छोड़ेंगे, टॉपर्स छोड़ते हैं, मतलब जिनका जो कहीं और भी जॉब निकाल लेते हैं
वही जॉब छोड़ते हैं या कोई मेडिकल में फेल हो गए तभी जाते हैं कैटेगरी वाइज, तभी आपका सीट मिलेगा। ओबीसी में क्या होगा, ओबीसी में सारे बच्चे जॉब नहीं छोड़ते, बहुत कम बच्चे जॉब छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मेडिकल में अगर फेल हो गए या डीबी में कोई दिक्कत हो गया तभी आपको कैटेगरी वाइज सीटें वैकेंट होता हुआ दिखेगा। तो लास्ट ईयर यही सिनारियो था कि ओबीसी का कटअप बहुत कम घटता था, यूआर का कटअप बहुत ज्यादा घटता था, क्योंकि यूआर में क्या होते हैं टॉपर्स होते हैं, क्योंकि यूआर में सभी कैटेगरी के बच्चे शामिल हो जाते हैं, ओबीसी जनरल, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सारे कैटेगरी के, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ देखिएगा, ये तो डेटा आप समझ लिए और ये मैंने परफेक्ट डेटा बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा, ठीक है, इस पीडीएफ को समझिएगा। इस पीडीएफ में क्या है, सबसे पहले मैं इस चीज को मिटा लेता हूँ, पूरा साफ कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिख सके जो भी मैं लिखूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप मेन खेल शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यूआर के केवल 350 बच्चे, मतलब 350 टॉपर्स स्टूडेंट अगर जॉब छोड़ देते हैं, टॉपर कैंडिडेट अगर जॉब छोड़ देते हैं, या किसी 350 सीट अगर खाली हो जाता है यूआर में ही, तो जो बच्चे हैं वो फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जब देखिएगा आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि जो पहला कटअप बना था 71.28 पे बना था, वही ओबीसी का बना था 69.11 पे। यहाँ पे कटअप है, दूसरा कटअप गया सेकेंड डीबी का 71, लगभग 71, मतलब 0.28 नंबर क्या हो गया, घट गया। वही अगर ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी का कितना घटता है, केवल 69.01, मतलब कितना घटा, 1.0। तो यहाँ 1.0 घट रहा है, यहाँ 0.28 घट रहा है। फिर इसके बाद क्या हो गया, 71.28, और यहाँ पे कितना हो गया, 69.65, लगभग कितना घट गया, लगभग मान के चलिए 1.6 के आसपास घटा। और यहाँ पे 69 से कितना हो गया, 68.89, मतलब यहाँ पे 11.022 घटा। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बहुत कम, यहाँ बहुत कम घट रहा है और यहाँ पे काफी ज्यादा घट रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कम है यूआर में और बाकी सब कैटेगरी का नंबर भी नहीं आ रहा है। यही कारण है कि बाकी सब कैटेगरी में क्या हो रहा है, सीट खाली ही नहीं हो रहा है। तो जब कैटेगरी वाइज सीट खाली होगा तभी आपको जॉब मिलेगा। अब यूआर में क्या होता है कि सीट खाली हो जाता है, क्योंकि यूआर में सारे कैटेगरी के बच्चे हैं और टॉपर्स है, टॉपर्स के पास विकल्प ज्यादा होता है, ऑप्शन ज्यादा होता है। वही बात करें अगर हम फोर्थ डीबी में, फोर्थ डीबी में क्या हो गया कि 71.28 से कटअप कितना हो गया, 69.12, मतलब कितना घट गया, लगभग 2.16 नंबर घट गया, चौथे डीबी में ही घट गया। बट यहाँ पे 68.81 है, तो यहाँ कितना घटता है, यहाँ पे लगभग 0.3 घटता है, मतलब यहाँ जो कटअप है बहुत स्लोली घट रहा है, बहुत स्लो रेट है। पांचवे डीबी में अगर आप देखेंगे तो 68.95, तो यहाँ पे जब देखेंगे तो 71 से लेके 68.95, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 95 है ना, 12 इधर 5 इधर 17, मतलब यहाँ पे 2.33 नंबर क्या हो गया और घट गया। और यहाँ पे 68.79, यहाँ पे कितना है 69.1179, मतलब यहाँ पे 21 और 11 केवल 0.32 नंबर घटा। तो 0.32 नंबर ओबीसी का घटता है, बट वही देखिए यूआर में 2.33 नंबर घट जाता है। तो यही रेशियो इस बार भी जाने वाला है लगभग, क्योंकि यूआर में क्या होते हैं बच्चे कम होते हैं जो कि वेटिंग में है, केवल इस बार भी देखेंगे तो 349 बच्चे हैं। तो ये 349 बच्चों को क्या होता है, बैलेंस करना बहुत ज्यादा आसान होता है और आसानी से इनको सीट मिल जाता है, क्योंकि यूआर में टॉपर्स होते हैं, ठीक है, कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होता है। जिस कैटेगरी से जितने बच्चे शॉर्ट मतलब अपसेंट करेंगे या डीबी में नहीं जाते, डीबी में डिस्क्वालीफाई होते हैं, उस कैटेगरी से उतने बच्चों को लिया जाता है। अब यहाँ कैटेगरी पे डिपेंड करता है, अब रिजर्वेशन का खेला यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है, जो रिजर्वेशन दिया जाता है पहले दिया जाता है। अब ये चीज मैं आपको समझा दूंगा बाद में। फाइनली हम देखते हैं कि फाइनली क्या हुआ था, लास्ट में क्या हुआ था उसको देखते हैं। तो लास्ट में ये देखिए, 11वें डीबी के बाद क्या हुआ, 12वें डीबी के बाद क्या हुआ, यूआर के बच्चे मिलने बंद हो गए, जितना कटअप था पीटी का उसी कटअप पे ले लिया गया, ठीक है, कटअप बढ़ा ही नहीं, यहाँ पे अंतिम में बच्चे ही नहीं मिले। अब इन सीट को किससे फिल किया जाएगा, बाकी सब कैटेगरी से। यहाँ देखिए बाकी सब कैटेगरी का अब नंबर आना शुरू हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, सारा कुछ है। अब ओबीसी का कितना था शुरुआत में, ओबीसी का कितना था 69.11, अब यहाँ कितना हो गया 67.22, लगभग कितना नंबर घट गया, लगभग यहाँ पे देखेंगे 1.9 नंबर घट गया, कितना यहाँ पे लगभग ओबीसी के लिए 1.9 नंबर ओबीसी में घट गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे एससी, यहाँ पे एससी कैटेगरी का अगर देखेंगे, यहाँ पे यहाँ देखिएगा एससी कैटेगरी का कितना है, एससी कैटेगरी का 63.07 और यहाँ पे 62.34, मतलब 0.7, मतलब यहाँ पे मान के चलिए कि 0.7, ठीक है, मैं लिख लूंगा बाद में।
और यहाँ पे सबसे लास्ट एसटी कैटेगरी यहाँ पे बचता है, एसटी मेरिट 58.54, यहाँ पे 57.55, मतलब एक नंबर घट गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, आपको समझा देता हूँ कि कैटेगरी वाइज कैसे घटा। अंतिम में घटेगा जब सीट मिलेगा, पहले भी सीट मिलेगा तो पहले भी घटेगा, पर सीट ज़्यादातर यूआर से ज़्यादा मिल जाता है और बाकी सब कैटेगरी के बच्चे छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि उनका कम ही नंबर पर उनको उठाया गया, तो वो टॉपर्स तो है नहीं, जॉब छोड़ते जो टॉपर्स होते हैं वो। तो यहाँ एससी कैटेगरी में कितने बच्चे, कितने नंबर घट गया, 0.7 अंतिम में, और एसटी कैटेगरी में कितना घट गया था, एक नंबर के आसपास। तो सबसे ज़्यादा जो चांस होता है किस कैटेगरी के लिए होता है, फिलहाल यूआर के लिए होता है, किसी भी जोन से, किसी भी जोन से अगर आपका लगभग 2 से 4 नंबर कम है तो आपका चांस बन जाएगा, ठीक है। 4 नंबर तक भी कम है तो आपका आराम से चार चांस बनेगा, 100% चांस बनेगा अंतिम अंतिम तक, पर 2 नंबर कम है तो हो सकता है जल्दी आपको बुला लिया जाए इस साल के अंत तक, या इस साल के अंदर ही, मतलब 8 से 10 महीने में आपको 2 नंबर तक घटते हुए दिखेगा सभी जोन में लगभग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे घटेगा, 2 नंबर तक हो सकता है जल्दी जल्दी घट जाए, या इस बार उससे भी तेजी से घटे, मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करता है क्या सिनारियो बनता है। तो यही कुछ लिखा जोखा है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेकेंड डीवी में कितने नंबर घट सकते हैं, आपके सेकेंड डीवी में क्या हो सकता है, कितने नंबर घट सकते हैं, सभी कुछ को हम जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा फायदा किसको होता हुआ दिख रहा है, यूआर को, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या है, बहुत ज्यादा कम है, वहाँ कंपटीशन अब नहीं है जो जितना पहले था, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करूंगा इसको, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे इस बार का कट ऑफ है ये, ठीक है। इस बार का जो कट ऑफ आया 64, ये जो है इनिशियल कट ऑफ है, ठीक है। इतने पे बुला लिया गया था 731 बच्चे, यूआर के केवल 731 बच्चे इतने पे आए थे। अब इसमें से क्या हुआ, 349 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। तो 349 बच्चे किस रेंज में है, 61.10 से लेके ये 349 बच्चे होंगे 70.6 नंबर के बीच में, ठीक है। वही ओबीसी का कट ऑफ अगर देखेंगे तो ओबीसी का कट ऑफ है 58.15 मान लीजिए 58 है, और अभी कट ऑफ कितना गया, लगभग मेरे हिसाब से 67 चला गया, ठीक है। तो अब क्या है कि मैंने बताया था 64 से लेके 67 के बीच में कुछ यूआर के भी बच्चे हैं और इसके बीच में ओबीसी की भी बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से आप रेंज निकाल लीजिए। तो मैंने ओबीसी का लगभग 2200 बच्चा को बताया था ना, 2200 मान लीजिए 2200 बच्चे ऐसे जो पीटी क्वालिफाई किए हैं, तो यहाँ पे अभी भी 1100 के आसपास बच्चे बचे हुए हैं। तो यहाँ पे संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इनको अगर जॉब लेना है तो या तो ये टॉपर्स होने चाहिए, मतलब 64 जो कट ऑफ है इनका हो जाएगा, 1100 जो सीट है ना इनका हो जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाएगा आराम से। अब डिपेंड करता है कि 64 से ऊपर होना चाहिए, अगर आपका 64 से ऊपर है तो आपका जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। जो यूआर का कैटेगरी पीटी का गया था उससे ऊपर है तो आपका जल्दी चांसेस बनता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ गया हुआ है उससे कट ऑफ घटेगा ना, ये तो कट ऑफ है पीटी वाला है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कितना घट सकता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों मिटा देते हैं यहाँ पे जो भी मैंने लिखा उसको मिटा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आप दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि 349 बच्चे हैं, तो यूआर के जो हो सकते हैं सेकेंड डीवी और थर्ड डीवी में यूआर के काफ़ी सारे बच्चों को ले लिया जाएगा, जिनका भी 67 से ऊपर है उनका ज़्यादा चांस बनेगा, उनका हो सकता है कि सेकेंड डीवी में बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड डीवी नहीं तो थर्ड डीवी में तो आराम से बन जाएगा, थर्ड डीवी 4th DB तक फाइनल कर दिया जाएगा इनको मैक्सिमम, मैंने बताया ऐसे, मुझे लगता है कि 3rd DB में ही फाइनल कर दिया जाएगा। सेकेंड डीवी में अगर मान लीजिए 500 बच्चों को बुला लिया गया तो 500 बच्चे में लगभग यूआर के सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे जिनका भी 67 से ऊपर है, ठीक है। तो लगभग 2 नंबर भी घट सकता है सेकेंड डीवी के आसपास, 2 नंबर भी घट सकता है, बहुत ज़्यादा घट सकता है, 2 नंबर भी घट सकता है, जिनमें ओबीसी का भी चांसेस बनेगा। ये जो बच्चे अभी 2300 बच्चे दिख रहे हैं और 1169 बच्चे अभी जो लटके हुए हैं वेटिंग में, ये भी चले जाएंगे क्योंकि इनका भी तो 67 से ऊपर तो होगा नहीं, तो इनका कम चांस बनेगा। बट इनके कैटेगरी में अगर मान लीजिए कि आपका 64 से ऊपर है तो आपका भी चांस बनेगा, आपका हो सकता है कि 0.5 नंबर घटे, आपका 0.5 नंबर घटेगा तो यूआर का 0.2 नंबर के आसपास घट जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी का कम घटेगा, यूआर का ज़्यादा घटेगा। एससी कैटेगरी का हो सकता है कि 0.12 के आसपास घटे, कौन से कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का। और एसटी कैटेगरी का हो सकता है कि ज़्यादा घटते हुए आपको दिखे, लगभग आपको दिख सकता है कि 0.3 के आसपास एसटी कैटेगरी का घटे, क्योंकि बच्चे यहाँ ज़्यादा हैं
नहीं यहाँ नहीं घटेगा, यहाँ पे हो सकता है कि 0.1 के आसपास बचे, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे क्वालिफाई किए हैं, यहाँ बहुत बच्चे क्वालिफाई किए हैं, और जो भी बच्चे टॉपर्स थे वो पहले ही यूआर में जा चुके हैं। अब जो बच्चे बच गए, जिनका नहीं हुआ है 4500 बच्चे, ये बच्चे क्या है केवल अपने कैटेगरी में ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी और कैटेगरी में नहीं जा सकते थे, केवल यूआर में जा सकते थे। बट अभी जो ओबीसी वाले हैं, ओबीसी का ज़्यादा अच्छा चांस है, क्योंकि ओबीसी के जो बच्चे होंगे वो यूआर के पीटी वाले कट ऑफ को पास किए, मतलब पार किए हैं, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का भी मुझे लगता है कि 935 बच्चों का तो सिलेक्शन हो ही गया है। अब जो बच्चे बच गए वो तो यूआर में भेज ही दिए गए हैं, क्योंकि डीबी के लिए इतने ही बच्चे गए थे, और यहाँ पे पीटी, यहाँ पे 853 बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी वेटिंग में रखा गया है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका नंबर कितना है 67 से, मतलब ईडब्ल्यूएस का तो जो कट ऑफ है पहले ही कम गया है, लगभग कितना गया है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है 52 गया हुआ है, तो 52 से ऊपर होगा। मतलब मान लीजिए कि आपके कैटेगरी में अगर सीट खाली होता तो ही आपको मिलेगा। यहाँ भी वही सिचुएशन होता है जो एससी में लागू होता है, एसटी में लागू होता है, बट ओबीसी और जनरल वाले का सेकेंड डीवी में चांस आने का बहुत ज़्यादा चांस है, बाकी कैटेगरी का जो चांस है वो कम चांस है। अगर आपकी कैटेगरी में जैसे ईडब्ल्यूएस का सीट ईडब्ल्यूएस में खाली होता है या एससी का सीट एसटी में खाली होता है तो ही आपका चांस है बनेगा, अदरवाइज मुश्किल चांस हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाइज सीट खाली होने पे आपका चांसेस बनने वाला है। सबसे ज्यादा यूआर का चांसेस बनता है, क्योंकि यूआर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वैकेंसी भी ज्यादा होता है, बाकी सब में क्या होता है वैकेंसी कम होता है। तो मान लीजिए कि यूआर में 10% सीट खाली होगा, तो 350 सीट मान लीजिए ओबीसी मतलब 3500 है, तो 10% मतलब 350। वही बात करें ओबीसी में, तो ओबीसी में लगभग 260 सीट खाली हो सकता है, तो इस तरह से सीट खाली होगा, तो ये सभी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा सीट है 10%, तो मान के चलिए कि 10% बच्चे ऐसे होंगे जो कि ज्वाइन नहीं करेंगे किसी ना किसी कारण से, या तो उनका खुद का मर्जी होगा या मेडिकल फिटनेस के कारण कोई ना कोई रीजन होगा जिनके कारण वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आप लोग को जो सिनारियो होगा वो समझ में आ गया होगा कि यूआर का कट ऑफ जो होगा, अगर 0.5 नंबर ओबीसी का घटेगा तो यूआर का लगभग 2 नंबर घट जाएगा। ठीक है, अगर 2 नंबर आपका कम है तो सेकंड डीवी में आने का बहुत ज्यादा चांस है, बट सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में अभी हाल में जो एनटीपीसी एग्जाम हो रहा था उसमें भी आप देख रहे होंगे कितना 200-400 सीट है, वहां भी आपका एनटीपीसी में, ठीक है, एनटीपीसी में सेकेंड डीवी, थर्ड डीवी, फोर्थ डीवी ऐसे करके अभी तक चेन्नई में 6 डीवी तक भी आ चुके हैं लेवल 6 वाले पोस्ट में, मतलब काफी अच्छे 5-6 डीवी आ चुके हैं। आपने देखा होगा, हालांकि कम बच्चों को लिया जा रहा है, अंतिम में 1-2 बच्चे ही बच रहे हैं, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही सिचुएशन होने वाला है। ठीक है ना, तो अगर इसके अलावा दोस्तों आपके मन में कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।